गुड मॉर्निंग। सो आज का प्लान ऐसा है कि आज मैं जा रहा हूँ मोहाली कुछ ऑफिस के काम से। सो मोहाली जाते हुए रास्ते में कई सारे पॉइंट्स आते हैं, बट वहाँ पे कवर नहीं कर सकते क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत होता है। मोहाली के लिए वैसे तो छोटा रास्ता अम्बाला से बनोड होते हुए जाता था पहले मैं, बट वहाँ पे प्रोटेस्ट की वजह से बंद है वो रास्ता। बंद होने के कारण डेराबसी से होके जाना पड़ता है और डेराबसी तक काफ़ी रश रहता है। बीच में दो तीन रेड लाइट्स भी आती हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा फालतू लगता है इस रास्ते से। और पंजाब जाने वाला ट्रैफिक भी वाया डेराबसी जीरकपुर से होते हुए राजपुरा निकलता है। क्रॉस करते ही पहला ट्रैफिक का पॉइंट बलदेव नगर से थोड़ा सा आगे रेड लाइट। एक ये नया होटल खुला है जनता सेंट्रल, अभी तक इसमें गया नहीं मैं, बट काफी वीडियोस में देखा है कि काफी अच्छा है अंदर से, तो जल्दी कवर करेंगे इसको भी। सो अभी आ गया कुछ ऑफिस का काम, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। सो गाइस काम हो गया, तो मैं रुका था ये पैराडाइज रिजॉर्ट है अम्बाला से जस्ट क्रॉस करके जीटी रोड पे, हाईवे पर है। डेराबसी से थोड़ा सा पहले लालडू क्रॉस करके, यहाँ पे भी कई बार जाम रहता है, शाम के टाइम ज्यादा रहता है यहाँ इस रेड लाइट पे वापसी के टाइम। ये दूसरा पॉइंट है ट्रैफिक, ये एक और पॉइंट है ट्रैफिक वाला, ये है लैली जगह है। यहाँ से लेफ्ट अगर लेते हैं तो वो रोड गांव होते होते बनोड निकालता है, और बनोड से फिर राजपुरा और पंजाब के लिए एंट्री। और बनोड से होते हुए राजपुरा लुधियाना अमृतसर के लिए, और इस कट की जो सबसे बड़ी निशानी है वो गुरुद्वारा साहिब है, बिल्कुल मोड़ पे ही है एकदम टर्न पे, और लेफ्ट में एक फाटक है जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक रहता है। फाटक बंद होने की वजह से यहाँ पे जाम हो जाता है और
इवन चंडीगढ़ जाने वाले लोग भी इसी ट्रैफिक में फिर एम्बुलेंस को रास्ता दें, बहुत जरूरी है। बसी से 2 किलोमीटर पहले ये पॉइंट आता है निक बेकर्स और हल्दीराम्स है, यहाँ पे निक बेकर्स है, सबवे, ब्रिस्टा, बैस्किन रॉबिन्स, ये भी हल्दीराम्स के लवर्स के लिए काफी अच्छा पॉइंट है। और सेठी ढाबा असली वाला, एक और जाम का पॉइंट, डेरा बसी क्रॉस करने के बाद रेड लाइट आती है, उस पर भी बहुत जाम रहता है अक्सर। और 10 से 15 मिनट इसी जाम में एक्स्ट्रा लग जाते हैं सुबह सुबह। तो ढिल्लो क्रॉसिंग पे जो एक नया फ्लाईओवर बन रहा था वो स्टार्ट हो चुका है, और मोहाली के लिए अगर आपको जाना तो आप इस ढिल्लो पॉइंट से लेफ्ट लेके सीधा मोहाली जा सकते हैं।
और मैं अपने ऑफिस के पहुँच गया हूँ। तो आज मैंने आपको दिखाया कि अम्बाला से मोहाली के लिए करंट क्या रूट है और रास्ते में कहाँ कहाँ पर आप ब्रेक ले सकते हैं और कहाँ कहाँ पर आपको ट्रैफिक मिल सकता है। सो अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।